छात्र राज जहानाबाद के कार्यकर्ताओं के द्वारा बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के परिणाम में धांधली के विरोध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का पुतला दहन छात्र राजद के पूर्व जिला अध्यक्ष शैलेश कुमार यादव के नेतृत्व में किया गया। वहीं शहर के अम्बेडकर चौक से अरवल मोड़ तक आक्रोश मार्च भी निकाले गए। पूर्व जिला अध्यक्ष शैलेश यादव ने कहा कि जब परिणाम में चयनित परीक्षार्थियों की संख्या रिक्त पदों से कम है तो इस परिस्थितियों में मेरिट लिस्ट के माध्यम से परीक्षार्थियों का चयन करना कहीं न कहीं किसी धांधली की ओर इशारा करता है। इसलिए छात्र राजद मांग करता है कि परिणाम के उपरांत चयनित सभी परीक्षार्थियों को शिक्षक के रूप में बहाल सुनिश्चित किया जाए। कार्यक्रम के दौरान छात्रों को मार्गदर्शन करने के लिए राजद के वरिष्ठ नेता उमेश कुमार यादव, वेंद्र जी, शिवजी यादव, गजेंद्र यादव, सिंटू बाबा उपस्थित थे। वहीं छात्र राजद के देवेंद्र चंद्रवंशी, आदिल खान, विक्की यादव, नीरज कुमार, बिल्ला यादव, संजीत कुमार, दिनेश पासवान, अमरेंद्र बल्ले सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। अच्छा, राष्ट्रीय जनता दल के तमाम कार्यकर्ता जहानाबाद के अम्बेडकर चौक से चल करके और अरबन मोड़ पर आकर के नीतीश कुमार एवं शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का पुतला दहन किया। पुतला दहन करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि जिस तरह से एससी की जो परीक्षा हुआ था उसमें जितने भी परीक्षार्थी पास हुए उन्हें तो पहले तो क्वालिफाइड कर दिया गया और उसके बाद मेरिट लिस्ट में डालने की बात की जा रही है। जितनी बहाली निकली है उससे कम लोग पास हुए हैं, तो जब उससे कम लोग पास हुए थे इसमें मेरिट लिस्ट की बात काफी है। इसी को लेकर के छात्रों में और जो शिक्षक उत्तीर्ण हुए हैं उनमें काफी आक्रोश है। उन्हीं के आक्रोश को व्यक्त करने के लिए छात्र राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता आज जिला मुख्यालय में नीतीश कुमार एवं शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे सिटी बिहार न्यूज के साथ। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही शेयर करें।